कभी हमारा भी समय आएगा, आज कंप्यूटर नहीं दिए तो कहें अब तुम्हारा कौन समय आएगा, दुनियादारी भाड़ में जाए। आ ये भी सोच लिए थे माई दादा भाड़ में जाए। समझ लो उस दिन का हमारा सबसे भयावह दिन था दिन, और एक मैसेज किए थे उसके मोबाइल में जब नहीं उठाई, समय लिख कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी, आपका कंप्यूटर नहीं नहीं दी। दी एक बात सही है, जो होता है अच्छे के लिए अच्छे होता है। मैं ये कहना चाहूंगा बस, जो भी यहाँ तक पहुंचा हूँ तुम्हारे वजह से पहुंचा हूँ। लव यू, अजगर आई लव यू। अजगर लव यू। तुम अपनी मम्मी को बेइज्जती कर रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे नमस्कार आप सभी जी। का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो वीडियो देख रहा है, अगर हम लोग की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे शेयर तो शेयर कीजिए। करें। तो चलिए आज हम मोटिवेशनल वीडियो लाए हैं। आज हम आप सबको बताएंगे कि हम अपने मतलब यहाँ हमने कंप्यूटर क्यों खरीदा और क्या वजह थी, क्या जरूरत थी जो हमने डेस्कटॉप खरीदा। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आप सबको। और इससे पहले दोस्तों बताना चाहेंगे कि हमारे घर पे भी एक कंप्यूटर था जो हमारे लिए खरीदा गया था, लगभग 35,000 का था, पापा पैसा दिए थे तो हम खरीदे थे। तो उस पर उस कंप्यूटर को हम चलाते भी थे और उसी से वीडियो एडिटिंग करते थे, घर पे कॉमेडी वीडियो बनाते थे। पहले चैनल था, यही चैनल था लेकिन कैटेगरी चैनल था। तो जब ये हो गया, हमसे शादी कर लिए और हम लेके चले आए गोरखपुर, तो उसके बाद फिर चलता रहा ऐसे धीरे 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 धीरे, लॉकडाउन बीत गया। फिर हमारी जो घर पे कंप्यूटर था वो पैक था, पैकिंग करके हम आए थे तो पैक था, इसलिए रखे रखे हम सोचे खराब हो जाता, नया कंप्यूटर था तो इस वजह से। हम मम्मी भी बेचने वाली थी उसको, वो सोचती थी कि मानो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, बेच के कुछ पैसा आ जाए। तो हम सोचे कि क्यों ना हम ही खरीद लें। उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, समझो कि बहुत ना के बराबर, रूम का भाड़ा जुटाता कैसो था। 2500 रूम का भाड़ा जुगाते थे। महीने में 10 दिन काम मिल जाए कूद कूद के, वही बहुत था। तो उसी से रूम का भाड़ा कैसो खर्चा, एक एक रुपया जुगा के हम लगभग 5,000 रुपया रखे थे। अब 5,000 रुपया रखे थे तो हम मम्मी को कहें कि भाई हमें जरूरत था, हम सोचे कि हम खरीद लेते हैं, अगर बेच तो रही है हम खरीद लेते तो धीरे धीरे अपना वीडियो एडिटिंग का काम सीखते सीखते हम छोटा मोटा कहीं धंधा खोल लेते हैं और हमारा अपना जीवन चलाते हैं, चलाने लगते हैं। लेकिन 20,000 जब बोले कि हाँ, हमसे बात नहीं होता था डायरेक्ट मम्मी से, क्योंकि मम्मी हमारा नंबर सारा ब्लॉक कर दी थी। और जब भी हम दूसरे से कहते थे जाइए बात कराइए तो हमसे बात भी नहीं करती थी, और नया नंबर से करते थे तो काट देती थी ये बात सुनते। ऐसा प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं करता था। हम अपने बहन से जो भी कहना होता था तो हम अपने बहन से करते थे, बहन मम्मी से करती थी तो मम्मी बहन से करती थी, बहन हमसे करती थी, इतना लंबा टूर था। तो ऐसे कहें कि कहो कि हमको कंप्यूटर लेना है तो वो बोली, तो हम कहें कि 5,000 रुपया, 5-6 हज़ार में दे दो। तो कही कि नहीं, 20,000 में भाई देंगे, 20,000 इसका प्राइस है। और ये नहीं कि हम दोनों साथ में थे, हम दोनों बहुत मतलब ये भी सोचती थी कि शायद मिल जाता तो कुछ आगे, क्योंकि बहुत हम समझ लीजिए खर्चा कैसे जी रहे थे, बस इस वजह से हम सोचते थे कंप्यूटर साथ होता तो धीरे धीरे कुछ काम सीख के धंधा खोल लेते। तो 20,000, 5-6 हज़ार में तो नहीं दी। फिर उसके बाद कर फिर सोचे कर, अब तो हमारे बस की बात नहीं है, अब हम खरीद नहीं पाएंगे उतना पैसा नहीं थे। फिर हम अपने दो एक दो दोस्त थे उनसे पैसा इकट्ठा किए, 10,000 रुपये जुगा लिए। फिर हम फोन किए कहें कि अच्छा ठीक है 10,000 ले लो, 10,000 में दे दो, बात किए। फिर बोली नहीं 20,000 से 1 रुपया कम नहीं। तो अब कहें अब तो हमारे बस का है ही नहीं खरीदना, अब बताओ कितना कर्जा काटेंगे जी। 10,000, हाँ 10,000 तो मान लीजिए, 10,000 हाँ में 15,000। फिर दम लगाए यार, दोस्तों से सपोर्ट किए हैं, कुछ दोस्त हैं मतलब पैसा ऐसा इकट्ठा करें कि 15,000, हम 15,000 उधार हो जाएगा, कहें ठीक है चलो। फिर बात की कहें कि नहीं 1-2 महीने पहले पटाए रहे हैं। फिर दिल में मतलब खलबली मचती थी, क्यों ना खरीद लेते, अगर नया खरीदने हम जाएंगे लोग तो सोचे नया खरीदने जाएंगे तो 50,000 बैठ ही जाएगा, तो हम लोग तो उतना बात नहीं है, अगर 20 साल में दे देती है तो अच्छा है। तो 15,000 हम कैश देने के लिए रेडी हो गए और कहें कि 1-2-3 महीने में हम 5,000 जो बचता है हम चुका देंगे। पहले 15,000 कहें तो नहीं मानी, फिर 20,000 में डन हो गया। तो कहें कि 15,000 कैश ले लो और उसके बाद जो 5,000 बचता है 1-2 महीने हम ठीक चुका देंगे। तो सब कुछ डन हुआ, सब कुछ रेडी हुआ। मेरी बहन जाने वाली थी वहाँ गाँव, तो कहें कि जाते जाना तो उधर से लेते आना। फिर हम लोग भी बहुत खुश थे, लेकिन चलो हमारा कंप्यूटर मिल जाएगा।
करते करते फिर पापा भी आए थे घर। फिर एक दिन उस जिस दिन आने वाली थी दीदी, कंप्यूटर लाने वाली थी, पापा फ़ोन किए कि बाबू ऐसे ऐसे, अच्छा कंप्यूटर ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। हम कहें कि 1000-2000 कम कर दो भाई, ये नहीं ना हम गांकी है, हम तुम्हारे आपके बेटे हैं, कोई और तो ले नहीं रहा है, 1000-2000 कम कर दो। तो बबुआ पापा बोले कि 18000 में ले लो। तो उसी में मम्मी चिल्ला रही है, 20000 से 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए, 20000 से 1 रुपया कम तो हम कंप्यूटर नहीं देंगे। बहुत दर्द हुआ सुन के, मतलब कि ऐसे ऐसे बात है। उस दिन हम बहुत ज़्यादा रोए थे, लेकिन भी हम काम पे थे तो बात किए थे, बहुत दिल में छुआ। कई कई बात हुआ जो पब्लिक नहीं कर सकते, मैं बता नहीं सकते आप सबको। तो दोस्तों, हमारे लाख कोशिश करने के बाद हमको कंप्यूटर नहीं मिला, हमको डेस्कटॉप नहीं मिला, और इसलिए बहुत हम तड़प दिए, बहुत सैड हो चुके, समझ दिल टूट गया मेरा। लेकिन सुबह में फिर उसके बाद हमें पापा का कॉल आया, पापा बोले कि देख बाबू, मन हम सोचे कि कंप्यूटर क्यों नहीं मिला, पूछे कि मतलब कहाँ है कंप्यूटर दिया है, पैसा तो देते रहिए 20000। फिर कह देख बाबू, हम गए अपने नज़दीकी कोनो रिश्तेदार, अब नज़दीकी रिश्तेदार के बा, अब इतना शेयर नहीं कर सकली, पर्सनली चीज़ है, तो हम कहते हम कौन हमके नज़दीकी रिश्तेदार कहलस है कि अपने बेटा के कंप्यूटर मत दो। क्या कहलस? कि अपने लड़का के कंप्यूटर मत दो, एक वजह से हम नहीं दे पाए। कल चला ठीक है, कोनो बात नहीं। हाँ तो रिश्तेदार में काम है, हम काम आए नहीं। एक बार सोचना चाहिए था, अपना बेटा है अपने काम आएगा, दूसरे के काम तो आएगा नहीं। ना तो देखा जाने कौन रिश्तेदार कामे आवा था कि ना आवा था बुढ़ापा में। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आज रिश्तेदार का या कोई भी किसी भी जवाने का बात नहीं सुने होते तो शायद हम आपके साथ, आप लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ खुश रहते, मजे से रहते और अच्छा रहते। आज कमी होती है, कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मम्मी पापा साथ होते तो कितना अच्छा रहता। तो दोस्तों, बात यहाँ तक कंप्यूटर, मतलब जब दीदी चली आई तो हम पूछे कंप्यूटर मिला तो कह रही नहीं मिला, जब हम वो नहीं दे रही तो हम कैसे जबरदस्ती करके तो लाएंगे नहीं, चलो ठीक है। उस रात हम इतना मम्मी को फ़ोन लगाए, कम से कम लगातार हम कहें कि जब तक, उस दिन ब्लॉक में से नंबर हटा दी थी वो, उस दिन रात भर कहें जब तक उठाएगी नहीं तब तक हम फ़ोन करके रात भर 100-200-300 फ़ोन किए, 200-300 फ़ोन किए, लेकिन एक भी कॉल मेरा नहीं उठा। समझ लो उस दिन का हमारा सबसे भयावह दिन था, उस दिन हम दिल टूट गया था एकदम, मतलब बिखर चुके थे उस दिन। और एक मैसेज किए थे उसके मोबाइल में, जब नहीं उठाई समय लिखकर, स्क्रीनशॉट होता तो दिखा देते, क्योंकि हम मोबाइल रिस्टोर मार दिए थे, उसके बाद मोबाइल चल नहीं रहा था, वीडियो बनाना शुरू किए तो, और ये नया मोबाइल ले लिए हैं तो स्क्रीनशॉट हम दिखाते। आज ये जो लिखकर मैसेज किया, आज उसके मोबाइल पर आज भी होगा, क्योंकि वहाँ कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं है, मेरा भाई भी उतना छेड़ता नहीं है फ़ोन, तो आज भी उसके मोबाइल पर होगा। समय लिखकर मैसेज किए थे, आज तुम्हारा समय है और हम कभी हमारा भी समय, नहीं ये नहीं लिखे थे कभी, हमें बस मर समय लिखकर, अगर कोई समझदार होगा तो समय का मतलब समय लगेगा कि वो क्या कहना चाहता है, बस हम एक ही शब्द लिखकर मैसेज किए थे, समय कॉल नहीं उठाए। तो उस दिन लेकिन कोई कह रहा था कि अब तुम लोगों का क्या समय है। फिर हम चीज़ कहें कि कभी हमारा भी समय आएगा, आज कंप्यूटर नहीं दिए तो कहें अब तुम्हारा कौन समय आएगा, तू जहाँ बड़ा चलो बर्बाद हो चुके हैं, सब टूट गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, अब इनका कोई कुछ होने वाला नहीं है। हम उस रात हम भी रो रहे थे, ये भी रो रहे थे, लेकिन भगवान सब देखते हैं, ये भी खूब रोई, हम भी खूब रोए। हम लोग देखिए, हम लोग गलती किए हैं लेकिन किसी का कत्ल तो नहीं किए, किसी का नुकसान तो नहीं पहुँचाए कि हम लोग के वजह से कोई परेशान हुआ है। तो ऐसे चलता रहा, फिर उस दिन हम बहुत रोए, लेकिन कल से हम डिसाइड कर लिए कल से इनके साथ वीडियो बनाएंगे, और हम उस दिन टूट गए। वीडियो बनाना जब इनके साथ शुरू किए, हम माना किए कि रहने दीजिए मत बनाइए, तो ये बोले हमारा साथ नहीं दोगी तुम, तो ये पहले बोली सोची कि मतलब मान लीजिए मम्मी पापा क्या सोचेंगे, घर की इज्जत है, बोली कि नहीं वीडियो ऐसे बनाएंगे तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, क्या गाँव वालों को क्या कहेंगे। तो हम सोचे कि बस तू हमारे साथ देबू कि नहीं, अब दुनियादारी भाड़ में जाए, और ये भी सोच लिए थे माई दादा भाड़ में जाए, ठीक है भाई। इतना गुस्सा था, और पहले एक दो वीडियो बनाए थे बहुत पहले, तो बहुत ज्यादा बोली थी मम्मी, इसीलिए तो वीडियो बनाना इनके साथ बंद किए थे, इनके साथ वीडियो उस समय हम लोग का 35000 सब्सक्राइबर था, हो गया था वीगो पे, हुआ था वीगो,
बीगो पर 35,000 फॉलोअर हो गया था, बहुत बोरी सुने थे, उसके बाद वीडियो नहीं बनाते थे। लेकिन जब उस दिन कंप्यूटर नहीं थी, उसके कल से हम डिसाइड किए वीडियो बनाएगा, और कोई बोल देगा तो खाए भर के पाई। अब समझ सकते हो क्या खाए भर के पाई, या बहन हो या पापा हो या मम्मी हो, कोई भी बोल दे। उस दिन उतना गुस्सा था तो उस दिन टूट गए थे उस दिन। लेकिन ये हुआ कि जब सब लोग समझ गए थे कि अब गुस्सा में लोग बना रहे, इसीलिए कोई नहीं, सब लोग समझ गए थे अब गुस्सा है उसके पास, तो कोई कुछ नहीं बोला हमें। हम वीडियो बनाते गए और आज दोस्तों का प्यार, भाई सब का प्यार है कि हम फिर से नया कंप्यूटर, वो 35 का था, मैं 65 का खरीदा, पूरा उसका आधा उसका समझ लीजिए दोगुना 65 का खरीदा हूँ। तो आप सबका प्यार है और कहीं ना कहीं से हम लोग यहाँ, हाँ कहीं ना कहीं उस आदमी को शुक्रगुजार करना चाहूंगा, मेरी माता या मेरी मम्मी, जिन्होंने हम लोग को कंप्यूटर, हाँ मेरी मम्मी को या पापा को, जो भी होता है अच्छे के लिए, हाँ कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो आज कंप्यूटर उस दिन दे दी होती तो हम उसी कंप्यूटर पे दिन लेके लपटाए रहते आज ये कंप्यूटर। तब इनको भी अपने मम्मी से और ज्यादा प्यार हो गया होता, और सोचते कि चलो मम्मी दे दी तो क्या हुआ, अब हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, बस अपना उसी बेकार, हाँ वीडियो नहीं बनाते, अगर वो कंप्यूटर दे दी होती तो हम वीडियो नहीं बनाते और यहाँ तक पहुँचे भी नहीं होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी, आपका कंप्यूटर नहीं दी। एक बात सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई भी चीज अगर आपको जिंदगी में नहीं मिलता है तो आगे चल के वो बहुत बड़ी बात होने वाली होती है, इसीलिए नहीं मिलता। तो कभी दुखी मत होइएगा, लेकिन उस दिन हम बहुत दुखी, हम तो ये हम भी रो रहे थे, ये भी रो रही थी। उस दिन खाना हम लोग नहीं खाए, वैसे सो गए, बनाया हुआ खाना नहीं खाए रात को, तो होता है ऐसा। और शायद ये सब वीडियो देख के मेरी मम्मी गुस्सा भी हो, मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, गुस्सा मत होइए मम्मी जी, गुस्सा हो, इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा बस, जो भी यहाँ तक पहुंचा हूँ तुम्हारे वजह से पहुंचा हूँ। आज तुम मतलब ये संस्कार नहीं दी होती या हमको कंप्यूटर दे दी होती तो आज तक यहाँ नहीं पहुंचे होते हम सब। तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा मोहब्बत है। और लेकिन इतना सब बोल रहे थे, इससे पहले वीडियो बनाए थे पापा पे हम, तो बहुत मम्मी को कह दिए थे खड़ूस, तो बहुत उधर से रिप्लाई आया कि अपने मम्मी को ऐसे ऐसे गलत नहीं बोला जाता है, बहुत लोग बोले, लेकिन हम तो कहें कि सच्चाई बताए हैं, जो सच है वही बताए हैं। और इनकी मम्मी का ऐसा, हाँ और मम्मी का नहीं ज्यादा पापा का, हाँ तो ऐसी बात है। तो जो उधर से रिप्लाई आया कि ऐसे गलत बोल रहे, ऐसे मम्मी को तुम अपनी मम्मी को बेइज्जती कर रहे हो अपनी मम्मी की, हम कहें भाई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। और बात रही उस दिन हम जो कंप्यूटर खरीद रहे थे, हम ये नहीं सोच के खरीद रहे थे कि मम्मी हमारी दे रही है, हम बस ग्राहक सोच के खरीद रहे थे कि हमारा ग्राहक बेच रहा है और हम खरीद रहे हैं, बस डीलर का डीलर समझे थे, क्योंकि अगर हमारी मम्मी हमको उस दिन मानती, उस मेहमान का भी शुक्र गुजार उसने कहा दिया कि बेटे को कंप्यूटर मत दीजिए। उस दिन जब हम कंप्यूटर खरीद रहे थे, ये सोच के नहीं खरीद रहे थे कि हमारी मम्मी से हम खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर मम्मी दी होती ना प्यार से तो 1,000-2,000 कम करने का छोड़ो, फ्री में दे देती, अगर हमसे उतना प्यार करती तो। सोचती कि सड़क पे, हाँ सोचती सड़क पे चलो कुछ मतलब, कंप्यूटर तो रखा ही था घर में, कोई चला नहीं रहा था, इसे पड़ा था पैक करके, दे देती वो फ्री में, कहती अपना ही बेटा है, शायद इससे आगे चल के कुछ अच्छा करे, कंप्यूटर से कुछ धंधा पानी शुरू कर ले, अच्छे से जिए खाए। पापा ये सोचते हैं हमेशा, लेकिन मम्मी कभी नहीं सोचती। खराब कहानी उनके, अब जो सच्चाई वही बता रहा हूँ भाई, खराब नहीं कर रहे हम। इसी वजह से आज हमको मम्मी से उस दिन से नफरत 90% हो गया, जिस दिन को कंप्यूटर नहीं थी, ठीक है। चलिए हम इनके खुशी के लिए इनको छोड़ दिए थे एक बार, ये बोले थे कि मेरे घर में कोई नहीं है, पापा है तो उनका पीठ मनो ऊंची हो गया, हम तुमको लेकर चले जाएंगे तो मनो मेरा घर कौन चलाएगा, कौन देखेगा, तो हम बोले चलिए आपके खुशी में मेरा खुशी है, लेकिन हाँ अगर हम चले मनो हम लोग का छूट भी जाता है तो हाँ कभी फोन करेंगे तो आप एक बार उठा कर रिप्लाई देते, बोले ठीक है। हम लोग एक महीना उसी के वजह से नहीं बात किए थे, बोले थे कि मेरी मम्मी बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी। चलिए मम्मी ये नहीं समझती होगी कि एक बेटे का दर्द क्या है, हम भी ये नहीं कि अपने पापा को छोड़ना चाहते थे या मम्मी को छोड़ना चाहते थे, ये वीडियो किसी अगले वीडियो में बताएंगे ये बात,
बहुत ही मतलब दर्द वाली बात है, कभी बताएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, और नमस्कार। इनके खुशी के लिए हम अपनी जिंदगी कुर्बान, और सबसे बड़ी धन्यवाद हमारी वाइफ को कि हमारे कदम से कदम मिलाकर साथ मिलकर चली, जैसा हम मतलब जैसा सोचते थे वैसा हो गया। बड़ी तो चलिए ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। आप लोग हम लोग का ऐसे ही साथ देते रहिए, ऐसे ही ऐसे प्यार प्यार। लव यू, ऐसे करो ऐसे करो, लव यू। ठीक दोस्तों, बाय 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 बाय।